मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जिले में एक रिजॉर्ट का निर्माण कर रही है जिसका लाभ समाज के हर वर्ग उठा पाएंगे। गुरुवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मुकीम ने बताया कि रिजॉर्ट का बजट करीब 35 करोड़ है। वर्तमान में ट्रस्ट के कुल 547 सदस्य हैं और ट्रस्ट आर्थिक रूप से मजबूत बन सके इसके लिए सदस्यता करीब 1000 करने का लक्ष्य है। फाउंडर ट्रस्टी की दान राशि 3 लाख है लेकिन इसमें थोड़ी छूट देते हुए मॉनसून ऑफर की शुरुआत की गई है जिसमें महिला सदस्य के लिए 50% की छूट के साथ 1.5 लाख और पुरुष सदस्य को 33% की छूट देते हुए दान राशि 2 लाख तय किया गया है। ये मॉनसून ऑफर 1 जून से 10 जून तक के लिए है। उन्होंने बताया कि 135 डिसमिल में बन रहे रिजॉर्ट निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी तक फाउंडेशन निर्माण कार्य 50% से ज्यादा हो चुका है। अगले 2 सालों में कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है जिसमें 100 एसी कमरे होंगे, 10,000 स्क्वायर फीट में पिलर लेस बैंक्वेट हॉल बनेगा, पार्किंग लोन, मंदिर, जिम, स्विमिंग पूल जैसे कई सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उद्देश्य समाज के हर एक तबके को न्यूनतम दर पर शादी विवाह जैसे प्रयोजनों के लिए ये रिजॉर्ट उपलब्ध कराना है। बैठक का प्रयोजन ये है कि हम लोग अभी बेसमेंट में काम कर रहे हैं और ये बेसमेंट बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें भूकंप की कोई नुकसान की कोई संभावना नहीं रहेगी। हमारा जो 10,000 फीट का बैंक्वेट हॉल है वो एक यूनिक बैंक्वेट हॉल होगा, पिलर लेस होगा। तो उसके लिए अर्थ की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने एक ये मॉनसून ऑफर दिया है 10 दिन का, एक दरवाज़ा खोला है कि जो किसी कारणवश नहीं आ सके वो आप से भी आ जाएं। इसके लिए ये एक संभावना देखने के लिए और आपके माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का कार्यक्रम है। ये रिसोर्ट कहाँ पर बनवा रहे हैं? ये रिसोर्ट बन रहा अपना गोविंदपुर से थोड़ा पहले और भूलफोड़ और गोविंदपुर के बीच में राज आंगन है उसके अंदर। अभी जो ऑफर रखे आप लोग 1 से 10 जून तक 2 लाख रुपए सदस्यता शुल्क है? नहीं, ये ट्रस्टी के द्वारा दी जाने वाली दान राशि है, सदस्यता शुल्क नहीं है। आप ट्रस्टी इसके रूप में, हम ट्रस्टी के रूप में आप मान्य होंगे ऐसे एक यदि आप ऐसा दान देते हैं। अब तक कितने ट्रस्ट जुड़ चुके हैं? अभी तक 547 जुड़ चुके हैं और हमारी इच्छा है कि अभी जैसे अन्य लोगों ने बताया कि ये 1000 का टारगेट हमारा है वहाँ तक हम जाएं। तो इसमें केवल मारवाड़ी समाज के लोग रहेंगे कि अन्य वर्ग से भी जुड़ सकते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने ये सोचा है क्योंकि इसका नाम मारवाड़ी विकास ट्रस्ट है तो अपने समाज के लोगों से ही सहयोग लिया जाए। लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि इसका उपयोग भविष्य में सभी लोग कर सकेंगे, फिलहाल सहयोग या सदस्यता या ट्रस्टी आप जो भी कहें वो हम अपने समाज तक फिलहाल का जो है सीमित रखते हैं। जो बन रहा है रिसोर्ट उसमें वातानुकूलित कमरे कितने रहेंगे? 100 कमरे। और क्या क्या सुविधाएं होंगी? और वहाँ पर एक योजना यह है कि एक मंदिर बनेगा क्योंकि शादी ब्याह में मंदिर की भी आवश्यकता होती है। हम लोग एक हेल्थ क्लब भी बना रहे हैं, स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा और हम लोग उसके अलावा अलग अलग साइज के हॉल्स हैं। यदि किसी को कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी है और उसको 10,000 फीट का या बड़ा बैंक्वेट हॉल नहीं चाहिए तो हर फ्लोर के ऊपर दो या तीन फ्लोर पे छोटे हॉल भी हैं। हर प्रकार के लोगों की हर प्रकार की आवश्यकता को ये रिसोर्ट पूरा कर सके। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये तो देखिए, हम लोग आशा करते हैं कि 2 से 3 साल में हो जाना चाहिए। कितना रेट रहेगा हम लोगों के लिए? नहीं, ये अभी बताना उचित नहीं रहेगा। उस वक्त जो मैनेजिंग कमेटी रहेगी और उस वक्त की जो परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि समाज के कल्याण के लिए ये बनाया जा रहा है तो जो कुछ भी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकें उसी के अनुसार रेट तय किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक बेसिक सिद्धांत है, हम क्यों बना रहे हैं? हर आदमी की जन आकांक्षाओं को, जो वो चाहता है कि अच्छी शादी हो, अच्छी व्यवस्था हो, उसको पूरा करने के लिए बना रहे हैं।